नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं ऋषि, अभी मैं मौजूद हूँ राम नगरी राजा बाजार क्षेत्र में, और मेरे साथ मौजूद है समाज सेवी बोलिए, एक संगठन की मतलब अध्यक्ष बोलिए, कार्यकारिणी अध्यक्ष बोलिए, वो पीके सिंह। किस वजह से आप संगठन से दूर थी, आप उनसे जानेंगे क्या उनका संगठन का विस्तार है और कहाँ थी। मेरे साथ पीके सिंह मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। मेरे चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप काफी दिनों से संगठन से दूर रही, कहाँ थी और संगठन का विस्तार कैसे हो रहा था, क्या रुका हुआ था, आगे क्या था और संगठन में मदद करने का क्या रणनीति है, कैसे? पहला सवाल आपको ये किया कि मैं कहाँ घूमने के लिए, कहाँ गायब हुई, तो मैं गायब नहीं हुई थी कहीं पर। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि मेरे पे मतलब तैयार किया गया था, मैंने भी किया था मुखिया कैप्टन पंचायत से और मुखिया जी ने भी मेरे पे किया था। तो उसी में हम लोगों को केस को साक्ष के अभाव में ये करके खत्म कर दिया जाता है, बस मुखिया जी का केस चार्ज कर दिया जाता है। जो आरोप लगाया जाता है मेरे पे, वो भी बिल्कुल बेबुनियाद था और उसी केस में मेरी सात पास को गिरफ्तारी हुई थी। तो मैं आप जेल में थी, आपकी मुखिया पर केस की पूरी गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं हो पाई है, वही केस में? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है। बोले तो साक्ष के अभाव में केस को बंद कर दिया गया है, लेकिन उससे कोई इशू नहीं है, हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि सच कभी मरता नहीं है, और मरने देंगे जब तक हम लोग हैं तो सच कभी मर नहीं सकता है। ठीक है, तो अब जो आप आगे भी हैं तो संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो फिर आप क्या विस्तार करेंगे, क्या क्या आपका ये संगठन का काम? तो मेरे बंदर थी, फिर भी मेरे जो कार्यकर्ता लोग थे, मेरे जो संगठन के पदाधिकारी लोग थे, तो वो लोग तो कर ही रहे थे। और मैं आई हूँ तो मुझे पता चला है कि संगठन पर आज से हम लोग पूरे बिहार में जितने भी हमारे सदस्य हैं संगठन के, राष्ट्रीय सनातनी संगठन के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सब लोग मिल के आपसे क्या बोलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे आज से हम लोग सदस्यता अभियान सभी प्रमुख करने जा रहे हैं। लालगंज विधानसभा जो रहा है, लालगंज विधानसभा क्षेत्र मेरा बहुत ही प्रिय जगह रहा है हम लोग, और मैं अपने घर से तो शुरुआत की थी इस संगठन का नींव रखती थी, लेकिन लालगंज ये दूसरा स्थान ऐसा था कि जहाँ से संगठन का विस्तार हुआ था, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले थे, और बहुत लोग का साथ मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, इतनी सारी माताएं बहन थी। तो आई हूँ मैं तो पता चला मुझे कि वो इलाका बहुत बाढ़ से प्रभावित है अभी के समय में बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग ये सदस्यता अभियान का शुरुआत करके आज से शुरू होगा, और उसके बाद हम लोग विधानसभा के दौरे पर निकलेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है लोग को, किस चीज़ की जरूरत है, और पूरा हमारा संगठन जो है वो पूरा मदद करेंगे। मैं 8 साल जीती हूँ और बहुत अच्छा था सब। लेकिन वही चीज़ है ना कि मैं बार बार आपके चैनल पे, चाहे बार बार मीडिया में आकर के लिए बोल चुकी हूँ, पार्टी छोड़ना, पार्टी नहीं बोला कि पिंकी सिंह को पार्टी छोड़ना है। पिंकी सिंह का एक खुद का फैसला था कि पार्टी छोड़ना है, चूंकि बहुत सारा सवाल मेरे को उठ रहा था पार्टी को चमकाने का काम कर रही है जब मैं अपने संगठन के काम से कहीं जाती थी। तो और ये मतलब समाज में ये बात कर रही है धर्म को लेकर के, धर्म को आर बना करके ये राजनीति कर रहे हैं, तो बस वो चीज़ मैं क्लियर करने के लिए बातें करती थी। और ऐसा कोई ये नहीं था मेरा, सबका अपना अपना अलग काम है, जेडीयू अपना काम कर रही है, आरजेडी अपना काम कर रही है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना काम कर रही है। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूँ कि बहुत सारे जो हमारी जनता होगी, चाहे हमारे बिहार के नेता लोग होंगे, तो उनके मन में ये डाउट होगा कि पीके सिंह और पप्पू यादव जी का समर्थन करके कहीं राजनीति तो नहीं चमका रही है अपना उनके सब उनके आर में कि पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नहीं, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि पप्पू यादव जी को समर्थन करने के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि पप्पू यादव जी जितना काम किए हैं, जितना मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जितने भी हमारे नेता, चाहे हमारे मुख्यमंत्री क्यों ना हो बिहार के, अगर उसमें से वो 10% भी अगर काम कर देते हैं, 15% 10% 5% अगर काम पप्पू यादव जी जितना किए हैं बिहार की जनता के लिए, खास करके वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, वो सब कोई जानता है, नेता लोग भी यहाँ तक की जानते हैं, सब जानते हैं, भले हम बोल नहीं सकते, हम लोग अपना अलग अलग ही है, बहुत लोग खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन पिंकी सिंह बोल सकते हैं, पिंकी सिंह पे कोई ये नहीं है, जो काम करेगा उसके लिए बोलेंगे, उसके लिए खड़े रहेंगे। तो ये चीज किसी के मन में होगा तो वो डाउट क्लियर कर ले अपना। नीतीश जी भी नहीं कर सकते इतना काम, पप्पू यादव जी किए हैं, और देखिए उनका काम करने का सदर पप्पू यादव को मिला, जो अभी 45-40 दिन के जेल पे हम जो कार्यकर्ता लोग वो वोट पर निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हर तरह का मांग कर उनको रिहाई के लिए, अभी तक उनका रिहाई नहीं है, उनको ये बढ़िया काम करने का सजा मिला है। ये तानाशाही है,
रही है, तो नीतीश जी की सरकार है ना, जब पूरी तरीके से काम सारी बिठा रही है, सोचिए ना 3200 सोचिए ना कि किस बेस पे हम अपनी यादव जी रखे हैं। वो पप्पू यादव जी जो बाढ़ में लोग के लिए खड़े रहे हैं खुद भी करके, वो पप्पू यादव जी जो कोरोना काल में खुद बीमार रहते हुए बेचारा हॉस्पिटल का चक्कर काटे, हॉस्पिटल घूमे, क्या नहीं वो किए, सबका देखा हुआ था। ठीक है, पप्पू जितना किए उतना हम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी हम लोग से बन रहा है किए हैं, लेकिन पप्पू यादव जी इसमें हमको वही बोल रहे हैं नहीं है कि पप्पू यादव जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मतलब ये है कि पिंपी सिंह पप्पू यादव जी के साथ अब खुद के साथ समर्थन पे उतर गई है, रोड पर उतरेंगी उनके साथ। नहीं देखिए पप्पू, वही तो मैं बता रही हूँ ना कि पप्पू यादव जी जनता के लिए काम करते हैं, पप्पू यादव जी गरीब के लिए खड़े थे, पप्पू यादव जी बीमार लोगों के लिए खड़े थे। तो अगर जो इस तरह का काम करेंगे, चाहे कोई भी, अगर हमारे नीतीश जी अगर ये काम करेंगे, चाहे हमारे तेजस्वी जी ये काम करेंगे, चाहे कोई भी राजनीति पार्टी अगर ये काम करती है, तो पिंकी सिंह उनके साथ भी खड़ी रहेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप 3% भी काम करके दिखा दीजिए पप्पू यादव जी इतना, तो मैं पप्पू यादव जी का समर्थन करना छोड़ दूंगी अगर आप करके दिखाइएगा तो। लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होता, आप नहीं कर सकते। काम जो करेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। और मैं एक और बता दूँ कि पप्पू यादव जी आखिरी सवाल आते हैं कि अपने गठन को आप कैसे और विस्तार मजबूत करेंगे या आगे का आपका रणनीति है? बस वही है, सदस्यता अभियान आज से चालू होगा और संगठन बहुत अच्छा काम करेगी जैसे करते आई है, और बाकी आप लोगों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आप लोग सपोर्ट करिए ऐसे ही, और हमारी जो जनता है वो सपोर्ट करे, और बस यही कहूँगी कि मैं कदम से कदम मिला के चलना है। मेरे साथ मौजूद थी पिंकी सिंह, मैं सहयोग कैमरा मैन।